हेलो hey, दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने 8 अगस्त को डिस्प्यूट सेटलमेंट संबंधी अपनी ऑफिशियल नोटिस जारी किया, और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों सीबीएसई ने कहा कि यदि आपको सीबीएसई द्वारा जो रिजल्ट तैयार किया गया है स्कूल के माध्यम से, जिस रेफरेंस ईयर यूज करके जो रिजल्ट तैयार किया गया है, उससे संबंधित कोई शिकायत है, यदि आप असहमत हैं, तो आप जो है ये जो टोटल 4 प्रकार के डिस्प्यूट्स हैं, जिस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में आप अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेटर लिख के दे सकते हैं, और वो जो हमारा आपका जो प्रिंसिपल स्कूल का, वो हम तक आपकी जो शिकायत है, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, पहुँचाएगा। यानी आप स्वयं नहीं पहुँचा सकते, यानी सीबीएसई ने डिसाइड किया प्रिंसिपल को, यानी प्रिंसिपल हो गया हमारा कोऑर्डिनेटर, जिसके माध्यम से हम सीबीएसई को लेटर लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो अधिकार थे वो सीबीएसई ने छीन लिया, क्योंकि सीबीएसई ने सर्कुलर में लिखा था कि भाई कोई भी विद्यार्थी स्वतंत्र नहीं है सीबीएसई को स्वयं लेटर लिखने के लिए, या सेटलमेंट कमेटी को स्वयं लेटर लिखने के लिए, वो स्कूल के माध्यम से ही लेटर लिख सकता है। बहुत अच्छी बात है, स्कूल का प्रिंसिपल हमसे ज़्यादा महत्व है, हमसे ज़्यादा जानकार है, हमसे ज़्यादा सब कुछ, उनके पास ज्ञान भी है हमारा, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होल्डर हैं, सब कुछ उनके पास, भाई वो हमारे टीचर है और अनुभव भी उनको काफ़ी ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर सीबीएसई ने बिल्कुल ठीक कहा, सीबीएसई ने यहाँ पर ये भी मेंशन किया कि भाई अगर आपको डिस्प्यूट है तो आपको ये डेट दी गई है, यानी टाइप 1 में इस डेट को दे सकते हैं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 को। क्लियर हो गया। अब इस डेट को सीबीएसई ने दोस्तों आज 9 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी करके बदल दिया। अब ये जो डेट बदली गई है उसको लेकर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि आपने एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया और दोबारा आपको डेट बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आप पर फिर से कोई दबाव बनाया गया है, या स्कूल वालों ने आप पर दबाव बनाया कि भाई आप जल्दी कीजिए, नहीं तो जितने विद्यार्थी जागरूक हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ कंप्लेन ही कंप्लेन आने लग जाए, क्योंकि लाखों छात्र छात्राएं जो है इस रिजल्ट से नाखुश हैं। तो आपने जो आज नोटिफिकेशन जारी किया, जो 8 अगस्त का नोटिफिकेशन था, मैं एक बार सब से डेट वाइज आपको बता देता हूँ कि कल नोटिफिकेशन कितनी डेट थी और आज जो नोटिफिकेशन उसमें डेट क्या रख दी गई है। तो दोस्तों सीबीएसई ने जो 8 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें टाइप 1 की जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 9 अगस्त, यानी 9 अगस्त से आप टाइप 1 में अपना कंप्लेन रेज कर सकते थे, और उसकी एंड डेट थी यानी आखिरी तारीख थी 11 अगस्त। क्लियर। टाइप 2 के लिए आप कर सकते थे 11 अगस्त से 14 अगस्त तक, टाइप 3 के लिए आप कर सकते थे 10 से 12 अगस्त तक, टाइप 4 में कोई मेंशन नहीं किया गया था। क्लियर। अब आज यानी सीबीएसई आज 9 अगस्त को क्या किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 9 अगस्त को सीबीएसई क्या कर दिया, जो टाइप 1 और टाइप 2 है उसका डेट दोस्तों 9 से 11 कर दिया, यानी जिस पहले टाइप 1 टाइप 2 की अलग अलग डेट्स थी और अलग अलग उसके एंडिंग डेट थी, लेकिन अब सीबीएसई ने क्या कर दिया कि टाइप 1 और टाइप 2 को 9 यानी आज से लेकर 11 अगस्त तक का ही कंप्लेन रेज करने का मौका दिया छात्रों को। यानी आपने जो पहले 14 तारीख तक डेट दी थी उसे घटाकर 11 तारीख तक कर दिया, जो पहले 14 तारीख, यानी 3 दिन आपने घटा दिया। क्यों घटाया? ताकि जो विद्यार्थी हैं वो अपनी कंप्लेन रेज ना कर सकें, क्योंकि जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो पहले विद्यार्थियों के लेटर साफ लेने से मना कर रहे हैं। प्रिंसिपल का तो यही कहना है कि भाई सीबीएसई ने हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलर भेजा नहीं, और आज तक इतिहास में सीबीएसई का ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि विद्यार्थियों के पास सर्कुलर आ जाए लेकिन जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो स्कूल है उसके पास नोटिस ना आ जाए, ये हो ही नहीं सकता, और ये बिल्कुल मानने योग्य है ही नहीं बात। ठीक है, या तो सीबीएसई सिर्फ स्वांग रच रही है, ढोंग रच रही है कि बच्चे इसी में फंसे रहे, और जब डेट निकल जाए तो आप कहेंगे कि आपको डेट दी गई थी और आपने अपने डेट के अनुसार कंप्लेन रेज नहीं करी। अरे कंप्लेन तभी ना रेज होगी जब आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, है ना, जो आपके प्रधानाचार्य हमारे स्कूलों के, वो हमारी कंप्लेन को लेंगे। हम आपने तो कंप्लेन के साफ साफ कह दिया कि भाई विद्यार्थी है जो विद्यार्थी, वो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र नहीं कंप्लेन करने के लिए, पहले आप स्कूल में जाइए, स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, प्रधानाचार्य आपके पत्र स्वीकार करेंगे, प्रधानाचार्य डिसाइड करेंगे कि भाई आप किस में आते हैं। क्लियर। ये टाइप 1 टाइप 2 का जो आपने डेट कम कर दिया 3 दिन, यानी 3 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आपने टाइम कम कर दिया। दूसरा है दोस्तों, इसमें सीबीएसई ने टाइप 3 के लिए जो पहले टाइम दिया था 11 से 14, ठीक है, टाइप 3 के 10 से 12, अब टाइप 3 के लिए क्या कर दिया कि 11 से 14 कर दिया गया, क्योंकि बहुत कम लोग टाइप 3 में कंप्लेन करेंगे, पता है सीबीएसई को, और टाइप 4 के लिए 10 से 12 कर दिया, यानी काफ़ी टाइम दे दिया।
तो ये जो टाइप फॉर्म मेरे ख्याल से कोई करेगा भी नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपने सर्कुलर पहले निकाल दिया, या तो आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं या आप हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सीबीएसई। सच में विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अगर आप एक विद्यार्थी के मन से हमारे भावनाओं को समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ पाओगे कि अभी हमारी हालत कैसी है। विद्यार्थी रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि पूरे साल के मेहनत, 12 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत का नतीजा रिजल्ट होता है। जब इंसान हर चीज़ को मेहनत से प्राप्त करने की कोशिश करता है और एंडिंग में जाकर उसे ये लगे कि भाई आप गेट क्लोज हो चुका है, आप नहीं आ सकते आगे, क्यों? क्योंकि आप जो है उन लोगों में नहीं आते जो पहले आ गए, आपने उनके लिए गेट खोल रखा, जो चीज़ें हैं उनके लिए बंद कर दी। तो ये कहीं की या किसी प्रकार का कोई इंसाफ नहीं है। तो मैं आप सभी सीबीएसई के कर्मचारियों से, हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए सोचें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह, हमारे जो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थियों के बारे में कुछ सूद लीजिए। क्योंकि आपने ही कहा था ना कि किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने सभी शिक्षित गणों, है ना, महानुभव को हिदायत दी थी कि रिजल्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कोई विद्यार्थी इससे असहमत प्रकट ना कर सके। तो लाखों छात्र छात्रा इस रिजल्ट से असहमत है, तो आपको जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि आपने ही रिजल्ट को कैंसिल किया था। तो आपको ही कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि सीबीएसई तो साफ साफ पल्ला झाड़ रही है। एक सर्कुलर जारी कर दिया और उस सर्कुलर को ठीक प्रकार से स्कूल तक पहुंचाया भी नहीं गया, या पहुंचाया गया है, या क्या स्कूल की मिली भगत है? क्योंकि ऐसे बहुत से केसेज आए जहाँ पर स्कूल वालों ने गड़बड़ी की है, और इस डिस्प्यूट सेटलमेंट से अगर स्कूल की गड़बड़ी का पता चल जाता है तो इस वजह से स्कूल जो है मना कर रहे हैं। तो मैं आप सभी महानुभावों से, ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी विद्यार्थियों की तरफ से जिनके साथ भेदभाव किया गया है, कि आप सूद लीजिए। नहीं तो जो विद्यार्थी होते हैं वो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमारे पास अधिकार है सिर्फ पढ़ाई का, अभी हमें पढ़ाई करना है। हम अपनी मांग को पूरे जोर तरीके से उठाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम इतने संख्या में नहीं हैं और ना ही इतने कैपेबल हैं कि हम सही प्रकार से मांग को उठा सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और सीबीएसई के हमारे एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर सैम भारद्वाज जी, उनसे विनम्र निवेदन है कि इन विद्यार्थियों के बारे में कुछ सोचा जाए जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, उनके रिजल्ट बनाने को लेकर उनकी उनकी समस्या को सूद ली जाए। ये विद्यार्थी बहुत ही परेशान है, एक ऊपर से कोविड, दूसरे में इस तरह से रिजल्ट आया, एग्जाम कैंसिल हुआ। तो हमारा जो भारत है युवाओं का भारत है, अगर आप अभी युवाओं का मनोबल नीचे गिरा देंगे तो युवा जो है हमारे देश के लिए क्या करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी करेंगे तो अंजाम यही होने वाला है। सब्र का फल मीठा तो सुना था, लेकिन सब्र का फल सड़ जाता है, ये भी एक कहावत है कि अगर सब्र ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फल में कीड़े पड़ जाते हैं। तो विद्यार्थियों मन में कीड़े ना पैदा कीजिए, उन्हें इंसाफ दिलाइए ताकि वो भविष्य में कुछ कर सके, क्योंकि एक आशा ही विकास की जननी है, एक आशा ही सफलता की जननी है। अगर आशा विद्यार्थियों टूट गई तो बिल्कुल सफलता कैसे प्राप्त करेंगे वो? तो अभी उनके आशा को मजबूत कीजिए ताकि वो भविष्य के नए भारत का निर्माण करने में आप सभी का, हम सभी का योगदान दे सके, क्योंकि आधुनिक जो भारत आने वाला है ये वह युवाओं का भारत है और युवाओं का भविष्य आपके हाथों में है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये बात पहुँचे। आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।